आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगधार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही कर एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी कृपाल सिंह को किया गिरफ्तार। SIHO कल्याण सिंह ने बताया कि अवैध हथियार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वृत्त अधिकारी पारस सोनी के निकटतम सुपरविजन में अलग अलग टीम गठित कर दो संगीन आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुनारी रोड स्थित गौशाला के सामने नाकाबंदी के दौरान कृपाल सिंह को एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही चौमहला कस्बे की कुंडला रोड से सुरेश चंद मेघवाल निवासी जेता खेड़ी को एक धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मंगलवार को हुए अपहरण के मामले में भी वांटेड है। मंगलवार को जेता खेड़ी मार्ग पर तूफान सिंह निवासी बापची थाना सीतामू मध्य प्रदेश के साथ मारपीट कर अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। गंगधार पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। खबर आपकी राजस्थान से मनोज कसेरा की स्पेशल रिपोर्ट। श्रीमान DGP साहब ने एक आदेश वो अभियान चला रखा है अवैध हथियारों और ये एक्साइज के तहत कार्रवाई के लिए। कल दो टीम रवाना करी थी श्रीमान SP साहब झालावाड़ के निर्देशन में, डिप्टी साहब और SP आसाराम जी के सुपरविजन में। तो जगदीश SI को इधर नाकाबंदी और चेकिंग के लिए भेजा था गौशाला डग रोड पे। तो उस पर ये कृपाल सिंह को चेक किया, ये भगा। तो इसके पास एक कट्टा 12 बोर और 2 कारतूस अवैध मिले। ऐसे ही देवेंद्र कुमार हेड कॉन्स्टेबल जो कुंडला रोड पर नाकाबंदी चेकिंग कर रहा था, उस पर सुरेश कुमार को चेक किया तो नंगी तलवार मिली। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, अनुसंधान जारी है। इन दोनों के खिलाफ पहले दिन में भी कोई अपहरण का मामला थाने पर दर्ज है। किसी तूफान सिंह नाम के व्यक्ति को ये उठा के ले गए थे और उसके साथ मारपीट करी थी, उसमें भी पूछताछ की जाएगी। ठीक है सर।